हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हों। पिछली वीडियो में हमने एम एक्स एक्सेल की एच लुकअप शीट सीखी थी और एम एक्स एक्सेल की एक प्ले लिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है और एम एक्स वर्ड की एक प्ले लिस्ट पहले ही कम्प्लीट हो चुकी है। उसके अंदर और भी किसी टाइम पर अपडेट करता रहूँगा क्योंकि मुझे सीरीज वाइज चलना है थोड़ा सा, इस वजह से मैं एक्सेल की नेक्स्ट क्लास। स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट शीट सीखते हैं आज एम एक्स एक्सेल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने एम एक्स एक्सेल के अंदर सबसे पहले हमने सीखी थी कि ऑप्शंस वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आज एक मैं शीट समझा रहा हूँ, वो है रैंक शीट। रैंक शीट कैसे इस्तेमाल करते हैं? रैंक शीट में जैसे कि पोजीशंस वगैरह जो होती है ना, जो मालूम करना हो नंबर्स के हिसाब से, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंक शीट। यहाँ पर हमने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको सेंटर किया, साइज बड़ा कर, ये रैंक शीट। सबसे पहले हम टाइप करेंगे नेम, फिर उसके बाद टाइप करेंगे मार्क, उसके बाद टाइप करेंगे स्टेटस। ठीक हो गया, सबसे पहले नेम, फिर फादर्स नेम, फिर नेम, मतलब कि नेम आएगा सब में, फादर्स नेम तो इसमें नहीं आएगा। उसके बाद आएंगे हम मार्क्स पर, जैसे कि एक के नंबर हमने रख दिए 300, दूसरे के रख दिए 500, एक के रख दिए 600, ऐसे नंबर्स रखने हैं, जितने भी नेम लिखना चाहो लिख सकते। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला, तो सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन। ये जो मार्क है ना, मार्क्स, मार्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एक नंबर जैसे अली है, अली के जो मार्क्स होंगे उस पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर मार्क्स आल सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि अली से लेकर अदनान तक जितने भी नंबर्स होंगे सब, या नीचे भी जितने भी लिखना चाहो और वो भी सेलेक्ट कर लोगे। फिर कोमा लगाते हैं, फिर ज़ीरो, देखो 0 1 बता रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स होता है, मतलब कि सही गलत होता है ना, इसके लिए तो मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूँगा ना, तो ये पोजिशन बता देगा। देखें, मतलब इनके अंदर से सबसे छोटा जो नंबर है ना, वो नंबर 3 पर है। तो इसी फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ कि F2 करता हूँ, F2 कर कर फिर यहाँ से जो आल सेलेक्ट किया था, यहाँ से लेकर जो मार्क क्लिक किया था यहाँ तक सेलेक्ट कर कर F4 करूँगा और इंटर कर दूँगा। फिर यहाँ से मैं यहाँ पर जो डॉट है इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये फार्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा। अगर इसी फार्मूले को और भी नीचे लेकर जाना है तो आप लेकर जा सकते हैं। तो मैंने गलती क्या कि ये जो है ना, ये वाला, इसको जो सेलेक्ट कर कर हमने किया ना कि भाई F4, F4 इसको करोगे ना तो देखो ये लॉक हो जाएगा यहाँ पर। इसको F4 नहीं करना, इसको इस वजह से नहीं करना क्योंकि नंबर वाइज चेंज भी होना चाहिए ना, तो यहाँ पर अगर नंबर वाइज चेंज होगा ना तो यहाँ पर ये बताया भी गया, तो पोजीशन देखो नंबर इस पर आ गया, दूसरी सिलेक्शन इस पर आ गई, इस वजह से। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 900 नंबर, तो ये पोजिशन अनफन आ जाएगी 900 पर। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 200, तो ये पोजीशन 4 5 आ जाएगी यहाँ पर। तो ऐसे ये पोजीशंस हम देख सकते हैं, मतलब कि इसकी जो भी हो वो नंबर 1 पर कौन है, 2 पर कौन है, ये हम चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।